ये वीडियो मेरे दोस्त कमजोर दिल वालों के लिए बिल्कुल नहीं है। और अगर आपका दिल कमजोर है तो अभी वीडियो को छोड़ कर चले जाएं, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताऊंगा जिन्होंने जान की परवाह न करते हुए ऐसे ऐसे काम किए जिसे देखकर किसी के भी होश उड़ जाएं। नंबर एक, रूफटॉप स्कीइंग। फ्रांस में रहने वाला एक व्यक्ति दोस्तों नॉर्मल स्कीइंग कर करके काफी बोर हो गया था, इसीलिए उसने कुछ ऐसा करने का प्लान किया जिसे देख पूरी दुनिया दंग रह जाए। और स्कीइंग को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हुए उन्होंने अपने घर की छत और घर की दीवारों पर भी स्कीइंग करके दिखाया, जिसके बाद वो काफी तेजी से पॉपुलर हुए। उन्होंने एक ही बार में लगातार 10 से भी ज्यादा घरों की छत की ऊपर से स्कीइंग की। नंबर दो, वॉल्केनो जंपिंग। बंजी जंपिंग से अगर आप नहीं डरते तो यार वॉल्केनो जंपिंग से ना आपके होश उड़ जाएंगे, और ऊपर से इसके लिए आपको एक हेलीकॉप्टर भी चाहिए होगा, क्योंकि हेलीकॉप्टर के बिना तो आप ज्वालामुखी के पास जा ही नहीं सकते। और इसके बाद दोस्तों रस्सी की मदद से आपको ज्वालामुखी के अंदर कूदना है। सुनने में कितना डेंजरस है, तो यार अगर आप सच में ये करोगे तो कैसा लगेगा। नंबर तीन है मॉक जंपिंग। कोई भी नॉर्मल इंसान दोस्तों ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर सकता, और कोई बहुत बड़ा सनकी ही इसे करने का जोखिम लेगा। इसमें आपको पैराशूट की मदद से नीचे कूदना होता है, जिसकी दूरी जमीन से काफी कम है, और नीचे गिरते हुए दोस्तों आपको बिल्कुल सही टारगेट करते हुए इन रस्सियों के ऊपर गिरना है, क्योंकि अगर थोड़ी भी आपने 2-3 सेंटीमीटर की गलती गई तो आप मारे जाओगे। नंबर चार, स्लीपिंग ऑन माउंटेन। शायद आपको यार ऊंचाई से डर लगता होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो बहुत ज्यादा ऊंची जगहों पर मजे से स्लीप करते हैं। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पहाड़ों पर चढ़ाई करते समय जब थक जाते हैं तो वो दोस्तों सोने के लिए पहाड़ों के साइड में ही एक छोटा सा टेंट लगा लेते हैं, जिसमें वो अपनी चादर ओढ़कर सोने लगते हैं। इनमें से ऐसा कौन सा एडवेंचर है जो आप करना चाहोगे, और सबसे खतरनाक कौन सा एडवेंचर है, नीचे कमेंट में जरूर बताना।